आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। हर तरफ से मिलेगा अब आपको प्यार, पूरी दुनिया पर होगी आपकी प्यार की हुकूमत। हर तरफ से आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। दिल का टूटना और रिश्तों का बिखर जाना, संबंधों को तार तार कर देने वाली परिस्थितियां, सिचुएशंस कैसी भी हों, पर जब बात दिल पर आती है तो सब मुश्किल लगने लगता है। तो क्यों रोते हो, क्यों हो परेशान तुम इस बात के लिए, क्यों तुम इधर उधर भटकते हो, कि क्यों आप मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़े हो। ये काम तुम अपने आप ठीक कर सकते हो। आज रात में बिस्तर पर सोने के पहले ये शब्द बोल देना, उसके बाद देखना कि आपका प्यार आपके हिसाब से चलेगा, आपका प्यार आपके कदमों में होगा, आपका प्यार आपके हिसाब से चलेगा, जो तुम चाहोगे होगा वही। अब देखिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं को ओतपोत करने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की समस्याओं का समाधान होता है। यहां पर शादी चल नहीं रही हो, या शादी होने में दिक्कत हो, या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसका पूरा समाधान किया जाता है रिसर्च करके। उसका रिसर्च करके, उसके ऊपर पूरा का पूरा वर्किंग करके, और संवेदनाओं के साथ, फीलिंग के साथ आपकी मदद की जाती है और आपको जिताया जाता है। यहाँ जीतने वालों की संख्या 20 लाख से पार कर चुकी है। हमारे यहाँ 21 लाख क्लोज लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हमारे यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। यानी जो भी आता है वो अपना प्यार लेकर के ही जाता है। देखिए कितना अद्भुत संसाधन है। आज मैं कह रहा हूं कि सोने के पहले ये शब्द बोल देना, आज मैं कह रहा हूं कि बिस्तर पर बैठकर ये बात बोल देना, आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारी सैया, तुम्हारा जो आसन है वो अपने आप में सिद्ध होता है। रोज आप जिसके ऊपर शयन करते हो वो आपकी मैरिज लाइफ ठीक कर सकता है। रोज जिसको आप बहुत सारे घंटे देते हो, इतना टाइम आप किसी और चीज को देते ही नहीं जितना आप अपनी सैया को, अपने आसन को, अपने बेड को, और जहां पर आप शयन करते हो, सोते हो, विश्राम करते हो, स्लीप करते हो, जिसको आप इतना समय देते हो, उतना तो किसी भी चीज को समय नहीं देते। उतना समय ना आप काम को देते हैं, ना खाने को देते हैं, नहाने को देते हैं, किसी भी चीज को इतना टाइम नहीं देते, किसी भी साधना में इतना टाइम नहीं लगता आपको। ये भी एक प्रकार की साधना है। तो ये जो साधना स्थल है इसको आप समझते नहीं है, जबकि ये साधना स्थल पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। आपको जब रात्रि में सपना आते हैं ना, तो वो एक तरह का इंडिकेशन है। स्वप्न इतना ज्यादा कारगर होता है कि आपको बिल्कुल सजीव दिखाई पड़ता है। जब आप सपना देखते हो तो आपको बिल्कुल सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि जो सपना तुम जैसा देखते हो वैसा हो जाता है। यह सपना मैं कहूं बिचारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। यह सपना मैं कहूं बिचारी। ये सपना आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से उत्पोत करने वाला हो जाता है। कहने का सीधा मतलब है, तुम्हारा बिड सिद्ध है, तुम्हें मालूम नहीं है, सोने के पहले ये शब्द बोल दो, तुम्हारा विवाह बच सकता है। सोने के पहले ये शब्द बोल दो, तुम्हारा प्यार दूर जाते हुए पास आ सकता है। सोने के पहले ये शब्द बोलने से आपके अपने रिलेशन में मजबूती बढ़ सकती है। सोने के पहले ये शब्द बोलने से जो व्यक्ति कमजोर पड़ रहा था, जो व्यक्ति
थोड़ा डाउन हो रहा था, अपने घर परिवार वालों के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए दिक्कत कर रहा था, जो इंसान तुम्हें समझने में दिक्कत कर रहा था, जिस इंसान के व्यक्ति के मन में उतना स्नेह प्रेम नहीं है जितना तुम्हारे है, वो सब चीजों का समाधान आपको सिर्फ ये शब्द बोलने से मिल सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण, उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरु जी। Thank you so much. आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एक अच्छी जॉब लग गई है, माइंड भी बहुत पॉजिटिव रहने लग गया है, और जिनसे मैं प्यार करती थी वो भी मेरे से बात भी कर रहे हैं और मिलने के लिए भी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करे और बहुत सारा प्यार मिले आपको। आप ऐसे ही खुश रहें, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका यकीन बढ़ा, इसलिए आपका काम हुआ। अगर आप भी स्क्रीन के उस तरफ बैठकर केवल दर्शन करते रहते तो शायद कुछ नहीं होता था। आप आगे बढ़कर के प्रयत्न किया आपने और जैसा कहा गया वैसा किया, इस वजह से आप सफल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कह रहा हूं कि ये शब्द बोलने से शब्द ब्रह्म होता है। शब्द में अनेकों ताकतें होती हैं। कुछ शब्दों को मिलाकर के आपको बोला जाए तो आप खुश हो सकते हैं, कुछ शब्दों को मिलाकर के आपको बोला जाए तो आप दुखी हो सकते हैं, कुछ शब्दों को मिलाकर के आपको बोला जाए तो आप रो सकते हैं, कुछ शब्दों को मिलाकर बोला जाए तो आप इतने क्रोधित हो सकते हैं कि सामने वाले को मार भी दें। हाँ, शब्दों में बड़ी ताकत है, शब्दों में अनेकों ऊर्जाएं व्याप्त हैं, उन ऊर्जाओं को संग्रहित करके मंत्र बनाए जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 3 अक्षर का एक ऐसा अद्भुत मंत्र बताने वाला हूं जिससे आपके प्यार में आपकी जीत होगी, जिससे रिश्तों में आपकी विजयश्री होगी, जिससे संबंधों में मधुरता बढ़ाने में आप बड़ा रोल अदा कर पाएंगे और आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। सिचुएशंस कैसी भी हो पर जब बात दिल पर आती है तो सब मुश्किल लगने लगता है। तो क्यों रोते हो, क्यों हो परेशान तुम इस बात के लिए, क्यों तुम इधर उधर भटकते हो, क्यों आप मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़े हो? ये काम तुम अपने आप ठीक कर सकते हो। आज रात में बिस्तर पर सोने के पहले ये शब्द बोल देना, उसके बाद देखना कि आपका प्यार आपके हिसाब से चलेगा, आपका प्यार आपके कदमों में होगा, आपका प्यार आपके हिसाब से चलेगा, जो तुम चाहोगे होगा वही। अब प्यार में जीतना और हारना वैसे तो नहीं होता, लेकिन जब रिश्ता बिगड़ने लगे तो जीतना आवश्यक हो जाता है, जब रिश्ता खराब होने लगे तो सब कुछ संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें अगर विलंब हो जाए, ये अगर एक भी क्षण आप से चीजें चूक जाए आप, तो आप अपने लाइफ को छोड़ पाते हैं, मतलब सब कुछ खराब होने लग जाता है जीवन में, फिर कुछ भी ठीक नहीं लगता। तो चलो सीधा आपको उपाय की बात करते हैं। उपाय बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करना। ना तुम्हें स्नान करने की जरूरत है, ना कपड़े बदलने की जरूरत है, ना ही तुम्हें आसन पर बैठने की जरूरत है, ना ही पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना ही अगरबत्ती जलाना है, ना ही आपको किसी भगवान का ध्यान करना है। बस गुरु चरणों में अनुराग रख करके ये शब्द बोल देना है मात्र, और क्या करना है, 7 बार उच्चारण करना है केवल। रोज जिसको आप बहुत सारे घंटे देते हो, इतना टाइम आप किसी और चीज को देते ही नहीं जितना आप अपनी सैया को, अपने आसन को, अपने बेड को, और जहां पर आप शयन करते हो, सोते हो, विश्राम करते हो, स्लीप करते हो, जिसको आप इतना समय देते हो उतना तो किसी भी चीज को समय नहीं देते। उतना समय ना आप काम को देते हैं, ना खाने को देते हैं, नहाने को देते हैं, किसी भी चीज को इतना टाइम नहीं देते, किसी भी साधना में इतना टाइम नहीं लगता आपको। आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से उत्पोत करने वाला हो जाता है। कहने का सीधा मतलब है, तुम्हारा बिड सिद्ध है, तुम्हें मालूम नहीं है, सोने के पहले यह शब्द बोल दो, तुम्हारा विवाह बच सकता है, सोने के पहले यह शब्द बोल दो, तुम्हारा प्यार दूर जाते हुए पास आ सकता है। आज सरलता की हद पार उपाय लेकर के आया हूं। आज मैं कह रहा हूं कि जिस प्यार को पाने के लिए तुम करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हो, जिस प्यार को पाने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए बेताब हो, जिस प्यार को पाने के लिए तुम कुछ भी कर रहे हो,
इस प्यार को पाने के लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, उस प्यार को पाने के लिए सिर्फ 3 अक्षर का शब्द मात्र 7 बार बोलना है रात्रि में सोने के पहले। तो बस आपको अपने जहां आप विश्राम करते हैं अपने सोने वाले कपड़े पहन लीजिए और जहां आप शयन करते हैं वहां जाकर के बैठ जाइए। अब करना यह है कि आपको अपनी ही तकिया अपने पैरों के नीचे दबा देनी है। आप कैसे बैठेंगे? अपनी जो तकिया है जिस पर आप रखकर सर रखकर विश्राम करने वाले हैं उस तकिए को आप अपने पैरों के नीचे दबा कर बैठ जाइए, पहला काम। दूसरा काम, जिस चादर को आप ओढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ी गहरी चीज आपको बता रहा हूं, जिस आप उसको चादर को आप ओढ़ते हैं, कम्बल को ओढ़ते हैं या जो भी चीज आप ओढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक घेरा बना लीजिए अपने सामने, फ्रंट में उसको ऐसे बिछा लीजिए सामने, उसकी रस्सी जैसा बना के सामने ऐसा एक राउंड लगा दीजिए। पूरा राउंड नहीं भी हो पाए तो भी सामने भर का तो कम से कम कर ही दीजिए उससे। दो काम, अब जारी है आपका वो मंत्र, ओम आदत्रय आदत्रय आदत्रय, ऐसा बोलना है। लिखने में हम इसमें त्र और या दोनों इस्तेमाल करते हैं, बोलने में या बड़ा साइलेंट है इसलिए 3 अक्षर माने जाते हैं इसके। तो आप इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करिए पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ। आप देखिएगा एक अद्भुत शक्ति, एक एनर्जी, एक पावर आपके लिए वर्क करना शुरू करेगी। और रात्रि के, आपको पता है रात्रि में शक्तियां ज्यादा चलायमान हो जाती हैं, ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन बनाती हैं और आप जो चाहते हो, जो आपकी अपनी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए बहुत बेताब हो जाते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि रात्रि में शक्तियां जागृत ही नहीं होती, केवल रात्रि तुम्हारी सिद्ध है, क्योंकि तुम जितने सालों के हो, जितने भी दिन के हो, उतने दिनों से रेगुलर सो रहे हो, किसी भी चीज में तुमने ब्रेक किया होगा, हो सकता है किसी दिन खाना ना खाया हो, हो सकता है किसी दिन आप वॉशरूम ना गए हो सकता है किसी दिन आपने स्नान ना किया हो सकता है किसी दिन आपने कोई अनदर काम ना किए हो, किसी भी चीज में ब्रेक हुआ हो सकता है, लेकिन सोने में ब्रेक नहीं हुआ होगा। चाहे आप बैठ के सोए हो, चाहे लेट कर सोए हो, चाहे खड़े खड़े सोए हो, सोने में आपने ब्रेक कभी किया ही नहीं। यही एक ऐसा काम है जो निरंतर चल रहा है और कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए ये पूरी तरह से सिद्ध है, इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं आप। ध्यान और मेडिटेशन इसी का बहुत छोटा रूप है जो आप सहन करके सिद्ध कर रहे हो अपने आप को। ध्यान में भी सोना ही होता है बैठकर, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जितनी भी शक्तियां ध्यान योग प्राणायाम सिद्ध समास में है, वो सारी सिद्धियां तुम्हारे अपने सोने में है जो तुम रोज सोते हो, बस उसी शक्ति का आवाहन है आज। जो कि जपात सिद्धिर, जो काम बार 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 रेगुलर कंटिन्यू किया जाए, जपात सिद्धिर न संशय, ऐसा कहते हैं। तो ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, इसमें संशय नहीं है। इस सिद्धि को उपयोग करें और इसका इस्तेमाल करें। बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ बताओ मत भाई, पैसों का आदान प्रदान मत करना रिश्तों में, रोना बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, उल्टा सीधा सोचना और नेगेटिव थिंकिंग रखना बिल्कुल मना है। ऐसा करने से आपका लाइफ खराब हो जाता है। क्यों करते हो? रोज तो मना करता हूं, अगर अभी भी कर रहे हो तो प्लीज मत करो, अच्छे बच्चे हो हमारे। तुमसे कंट्रोल नहीं होता, ये जो तुम बोलते हो ना, बस यही तुम्हारा दुख है, इसको खत्म करो, दुख समाप्त, खूब खुश रहो। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें अच्छी चीजों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे वीडियोस के साथ, इसका नाम तुम्हें पता है LWA लाइव चल रहा है, उसे आप देखिए, एंजॉय कीजिए और भी लोगों को जोड़िए। ये मुहिम है आपकी अपनी जिसमें आपका प्यार जीतेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय।